मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद आज भोपाल में कांग्रेस की सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, कमलनाथ समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक से पहले कमलनाथ ने कहा कि चुनाव में हमारा अच्छा परिणाम आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, जनता कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में बीजेपी ने प्रशासन, पैसे और बेईमानी की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जनता गद्दारों को अच्छा सबक सिखाएगी। आम में हमारा अच्छा परिणाम आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, आम जनता कांग्रेस के साथ है। ये बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, छिंदवाड़ा से लेकर हर सीट तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी प्रशासन का और पैसों का उपयोग किया। बैठक में शामिल होने पहुंचे रतलाम के कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने कहा कि चुनाव में भाजपा ने हर हथकंडे को अपनाया, काउंटिंग में भी ऐसा ही करेगी, इसलिए हम इसकी पहले से तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी लोकसभा प्रत्याशियों को बुलाया गया है, जहां चुनाव प्रभारी जितेंद्र सिंह सभी प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। चुनाव के दौरान किस प्रकार की कठिनाइयां हुई, इस पर भी चर्चा की जाएगी। चुनाव आयोग ने हमारी बातों का संज्ञान लिया या नहीं, इस पर भी चर्चा होगी। हमारे मतदाता भाई कहते हैं, सब हमने वोट दिया कांग्रेस में, कैसे बीजेपी में आ गया? तो वो मतदाता ही शंका कर रहे हैं कि कांग्रेस में बटन दबाने के बाद बीजेपी का फूल क्यों निकलता। तो ये सारी चीजें हर बार शंका थी, इसलिए ऊपर भी शिकायत की गई है, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, पर उसके ऊपर विचार हो रहा है। तो निश्चित ही पुरानी प्रथा, ब्लड पेपर पे ही चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र, क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है, किसान गांव में रहते हैं और उनके लिए ये बहुत अनिवार्य है। तो हमारे चुनाव आयोग से और सरकार से अनुरोध है कि ईवीएम बंद करके ब्लड पेपर से ही चुनाव कराया जाए भविष्य में। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इंदौर में अक्षय बम को परिणाम भोगना पड़ेंगे। हमारे मालवा में कहावत है कि विष दे दो लेकिन विश्वास मत देना, उन्होंने कांग्रेस का विश्वास तोड़ा है। वहीं ईवीएम को लेकर सज्जन वर्मा ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह के साथ खड़े हैं। दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा करने वाले हैं। मैं और मेरी पार्टी, हम दिग्विजय सिंह जी के साथ हैं। ईवीएम के बारे में एक बड़ी रिसर्च दिग्विजय सिंह जी ने की है और वो पोल खोलने के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं कि किस तरह ईवीएम की जादूगरी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी और हम उसके साथ हैं। रही इंदौर के प्रत्याशी अक्षय बम की, परिणाम भोगना पड़ेंगे। हमारा कहना है, हमारे मालवा में कहावत है मध्य प्रदेश में भी, कि विष दे दो, जहर दे दो, विष दे दो, विश्वास मत देना। उसने कांग्रेस पार्टी के विश्वास को तोड़ा है और परिणाम भोग रहा है। न्यायपालिका ने संज्ञान लेके 307 की धारा लगाई, भागते फिर रहे हैं, बाप बेटे दो ही गिरफ्तार होना पड़ेगा। मंडला से लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि यह चुनाव देश का महत्वपूर्ण चुनाव है। प्रदेश और देश की जनता ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का मन बना लिया है, जनता भाजपा को वोट देने को तैयार नहीं है, यह चुनाव चुनौतीपूर्ण हुआ है, लोकतंत्र बचाने के लिए जनता को हम सब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, लोकसभा का जो चुनाव हुआ है ये देश का महत्वपूर्ण चुनाव है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मन बना लिए हैं, ऐसे समय में जहां जहां भाजपा की सरकार है राज्य में, वहां के मुख्यमंत्री परेशान हैं। मोदी जी फोन लगा के कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपको हर हाल में 29 सीट मध्य प्रदेश का लाना है, जनता वोट देने के लिए भाजपा को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव चुनौतीपूर्ण परिस्थिति इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जब मुख्यमंत्री स्वयं चाहता है कि मेरे को 29 सीट मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र बचाने के लिए सभी लोगों को, आपको, हमको, सबको जनता की आवाज के साथ खड़े रहना। इधर बैठक में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं भले ही ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन हमारी जितनी भी सीटें आएंगी वो बीजेपी से ज्यादा होंगी। एक बहुत बड़ा निर्णय आज मध्य प्रदेश कांग्रेस लेने वाली है, भीतर घातियों के लिए हम कमेटी बनाएंगे, काउंटिंग के बाद इस पर विस्तृत विचार करेंगे। अजय सिंह जी ने बताया
कि अभी उसके ऊपर कमेटी बनाएंगे, उसके ऊपर कोई किसी की नाराजगी है, कोई बात है तो वो आने दीजिए। उसके ऊपर अभी तो देखिए, अभी तो काउंटिंग भी नहीं हुई है, काउंटिंग के बाद इसके बाद सारा विचार। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है। सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस में एक बड़ी बैठक रखी गई है। मेरा ऐसा कहना है कि पीसीसी का जो संविधान है उसके अनुसार सीमित संख्या में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होना चाहिए। बिना जानकारी के नियुक्तियां कर दी जाती हैं, नाराजगी दूर करने के लिए पद दिए जाते हैं, चुनाव में वही लोग काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम लोगों से फीडबैक लेने आए हैं, किन क्षेत्रों में क्या हुआ है, काउंटिंग से पहले हम लोगों को संदेश देंगे, काउंटिंग से पहले वह सतर्क रहें। आज भी जितेंद्र सिंह जी यहाँ पर हम लोगों से फीडबैक लेने आए हैं कि लोकसभा के चुनाव में किन क्षेत्रों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और काउंटिंग के पहले हम लोगों को संदेश देंगे किस तरह से वहां पर उम्मीदवार सतर्क रहे, क्योंकि धांधलियों का जमाना है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन जीती हुई पारी जिस तरह से विधानसभा में चुनाव में हम लोग झेल चुके हैं वो दोबारा न हो, उसके लिए बैठक। भिंड से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने कहा कि भाजपा ने वोटों की लूट की है, वे ऐसा सोच रहे हैं कि वोटों की धांधली करके जीत जाएंगे, मतगणना को लेकर वो बेईमानी करेंगे तो हम लठ बजाएंगे। ये पोजीशन है इस बार कि बीजेपी को कोई वोट देने को तैयार नहीं था तो उन्होंने प्रशासन को तैयार किया, और भिंड में तो उन्होंने एसडीएम एसओ और जो एसडीओपी उन्होंने तैयार किए, डायरेक्ट पुलिस ने वोट डाले, डायरेक्ट पुलिस ने बटन दबाए, हमारे जो एजेंट बैठे थे उनको उठा करके थाने में बंद कर दिया और खुद जा करके वो बटन दबा रहे थे पुलिस वाले। तो बीजेपी दरअसल इतनी भयभीत हो गई है कि इस बार उसे कोई वोट देने को तैयार ही नहीं है, तो वो पुलिस के माध्यम से, बदमाशों के माध्यम से वो बूथ कैप्चरिंग करी। भिंड में उन्होंने लगभग 77 बूथ उन्होंने लूटे पुलिस के द्वारा, डायरेक्ट थानेदार लूट रहे थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।